कुछ नया करते हैं। इस तरीके की कांदे की बोरी आती है ना, हम लोग इसको बेकार समझकर कांदा निकालने के बाद फेंक देते हैं, इसलिए इसे कांदा और लहसुन का रखने के लिए कुछ नया करते हैं। आइए इसको, ये इस तरह रहती है ना, इसको इसके अंदर से प्याज और कांदा निकालने के बाद इसके अंदर से इसको लेते हैं और इसको इस तरह करते हैं, अंदर इसको इस तरह फोल्ड कर देते हैं। इसका मुँह रहता है ना इसका, इसको पकड़कर इसको अंदर डाल देते हैं इसी तरह। देखिए इसको बराबर अंदर इधर से बराबरी में सेट कर लेते हैं। अब हम चाहते इधर दो तीन टाका इधर से इधर लगा सकते हैं इस तरह अंदर, और इसको इस तरह बना लेते हैं। इसका हैंडल के लिए मैंने कपड़े के दो डोरी बना लिया है इधर पकड़ने के हैंडल, इसको इधर से इस तरह डाल देते हैं इधर। आइए इसको इस तरह अंदर डाल लेने के बाद इसको आधा करके ना अंदर ऐसे डाल देना है, फिर इसको इधर डोरी लगाने के लिए दो छोटा छोटा होल कर लिया है मैंने इधर, ये डोरी इधर से डाल देते हैं इस तरह अंदर डाल देते हैं डोरी इधर से, फिर इस तरह अंदर डाल देते हैं, उसके इधर कांड बांध देते हैं। तो मशीन पे भी चला सकते हैं इधर, इस तरह हैंडल बन जाएगा एक सेट का, और दूसरे सेट का इसी तरह डाल देते हैं इस तरह। ये चीज़ बेकार फेंकने से इसमें लहसुन और कांदा डालकर रख सकते हैं हम लोग इस तरह, इसको भी इधर गांठ मार लेते हैं इसी तरह, गांठ मार लेते हैं। देखिए दोनों साइड हैंडल बन जाते हैं इसके। इसको थोड़ा इधर अंदर खुला रहता है ना इधर अंदर, फिर इधर से थोड़ा इधर टाका लगा लेते हैं, इसके अंदर डबल में रहता है ना, इसके अंदर कांदा लहसुन चला जाता है। इसको इस तरह हम लोग धागे से भी इधर टाक लगा सकते हैं, छोटे छोटे टाका लगा सकते हैं इधर इसी तरह अंदर से, दो डबल रहता है ना, खुला रहता ना वो सिल जाता है इसमें। इस तरह इसको इस तरह लहसुन भर देते हैं अंदर, लहसुन डाल कर ना हम लोग इसी तरह इसको इधर भी टांग सकते हैं दीवार पे। इसी तरह मैंने कांदे के लिए ही बनाया हुआ है, ये देखिए इस तरह, ये भी सिंगल था, इसको डबल किया है मैंने अंदर डाला है इस तरह, और इसको इधर से धागे से छोटे छोटे टाका लगा सकते हैं, डबल में है ना, डबल में इधर टाका लगा सकते हैं। इसको इसको बराबर करके ना इसको इस तरह डोरी बनाया है मैंने, तो फटा हुआ पुराना शर्ट था ना, इसका एक स्ट्रिप कट कर लिया है इस तरह, एक स्ट्रिप कट करके ना इस तरह कपड़े की मैंने इसको पट्टी बनाया हुआ है, ये डोरी ना इसमें डालकर मैंने इधर मशीन से सिल लिया है, और इसमें अंदर कांदा डाल सकते हैं हम लोग। इसमें कांदा डालकर ना मैं इसे रख देती हूँ इसको, कांदे को हवा भी लगती है, कांदा भी सूखा सूखा अच्छा रहता है, वरना कांदा चिपचिपा बारिश में ख़राब होता है, फंगस लग जाते हैं कांदे के ऊपर। इसमें डालने से कैसा हवा लगती रहती है, हम लोग इधर थोड़ी देर सूखने भी रख सकते हैं बाहर, इधर दीवार पर भी टांग सकते हैं इसको इस तरह डोरी बनाकर। ये देखिए इसी तरह डोरी बनाकर ना इसको पीछे बनाकर टांग सकते हैं, किधर हवे में भी रख सकते हैं किधर बाहर थोड़े हवे के लिए। देखिए कांदा लहसुन के लिए इस तरह हम लोग वेस्ट से, और ये लहसुन के लिए बनाया है मैंने, ये कांदे के लिए बनाया है मैंने। देखिए अभी टांग कर दिखाती हूँ इसको, देखिए कितनी अच्छी लगती है लहसुन की पिशू मैंने लगाई है इधर। इसी तरह आप लोग कुछ भी डाल करना इसमें टांग सकते हैं, बेकार समझ के फेंक देते हैं हम लोग, ये अपनी कितनी इसकी काम आता है ये। चलिए दोस्तों मेरे वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक करिए,
मैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।